गुड आफ्टरनून। आज पूरे गवार कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट पिछले दो सेशन में हमने देखा है कि आज भी जैसे 2.25% की गिरावट, कल भी हमने फ्लैट टू नेगेटिव प्राइजेस को ट्रेड होते हुए देखा है। ओवरऑल हमें लगता है कि जैसे ये हफ्ते में हमने एक हायर साइड पे कैप आते हुए देखा, पिछले महीने भी करीबन हमने 10,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था गवार गम में, वही इस बार भी मार्केट में मेंटेन रहा है। मानसून की प्रोग्रेस थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है और साथ में जो स्ट्राइक चल रही थी राजस्थान में वो ख़त्म होने की वजह से हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर है जो अगले एक दो दिन और चल सकता है। टेक्निकली लेवल्स की बात करें तो इस वक्त प्राइजेस ने 9,400 का लेवल ब्रीच कर चुका है। टेक्निकली लग रहा है कि 9,100 9,150 तक का लेवल गवार गम में देखने मिल जाएगा। बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी भी फंडामेंटल काफ़ी बुलिश है। जिस ढंग से हमने देखा एरिया अंडर कल्टिवेशन में इस बार काफ़ी ड्रॉप है, नो डाउट MSP के बाद हमने प्राइजेस में एकाएक बड़ी तेजी आते हुए देखी, क्योंकि क्रॉस एकरेजिंग हमने राजस्थान एरिया में बढ़ती हुई देखी। फार्मर्स ने मूंग और अदर क्रॉप जहाँ पे MSP की बढ़ोतरी हुई है वहाँ पे लोग फार्मर्स का रुझान ज़्यादा रहा है। बट अभी भी एक्सपोर्ट की बात करें, नो डाउट पिछले 15-20 दिन में एक्सपोर्ट में एक ठहराव सा दिखाई जरूर दिया है, बट रुपए की जो गिरावट बढ़ी है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट अभी भी लुक्रेटिव है। कुछ खबरें इंटरनेशनल से ये भी आ रही है कि जिस दिन से गवार गम के प्राइजेस में एकाएक बड़ी तेजी आई है तो सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में आने चालू हो चुके हैं, वो एक कहीं ना कहीं अपर साइड को कैप जरूर रखेगा। बट अगर सितंबर मंथ की बात करें तो हमें लगता है इनिशियली मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, जो 9,000 से लेकर 9,800 का ये एक ब्रॉडर रेंज है सितंबर मंथ का, इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। अगर अगले हफ्ते की बात करें तो हमें लगता है शुरुआत जो रहेगी वो करीब वीकनेस के साथ होनी चाहिए, जो नीचे में 9,100 तक का लेवल देखने मिल सकता है। 9,100 का लेवल जो है काफ़ी अच्छा लेवल है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके फिर से चलिए, जो प्राइजेस में 9,500 से लेकर 9,700 तक का लेवल अगले हफ्ते में देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।